हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं गाइस। तो समर का सीजन आ चुका है, तो धूप भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और गर्मी भी बहुत लग रहा है, तो कृपया करके घर से मत निकलिए। अगर कोई भी निकल रहे हैं तो साथ में पानी बोतल और छत्ता पकड़ के निकलिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। और हम लोग को भी घर में इतना गर्मी लग रहा है कि मतलब सीलिंग फैन से कोई काम नहीं चल रहा है गाइस, क्योंकि हम लोग का एस्बेस्टस का घर है। तो आपको दिखाते हैं, कूलर बहुत दिन हुआ पड़ा हुआ था घर में, तो मैं सोच रहा हूँ उसको साफ उफ करके घर में फिटिंग करें। तो चलिए गाइस, तो दिखाते हैं कूलर का हालत क्या हुआ है। तो इधर देख सकते हैं गाइस, पूरा गंदा भरा चुका है, इसका अंदर भी पूरा गंदा है, तो इसको साफ करना होगा। तो मैं जा रही हूँ, ठीक। तो आपको बाहर लेके दिखाते हैं गाइस कूलर का हालत। तो गाइस कूलर को लगाने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, ड्रेसिंग टेबल जहाँ पे है वहाँ पे रखने वाले हैं। और ये ड्रेसिंग टेबल को निकाल के जहाँ से लोग कूलर निकाले यहाँ, तो यहीं पे रखना है। तो चलिए गाइस दिखाते हैं आपको कूलर का हालत। तो देख सकते हैं गाइस, सब पूरा गंदा भरा चुका है, जाली उली मकड़ी का जाली पूरा गंदा हो चुका है। तो गाइस फाइनली हम लोग का कूलर साफ सफाई सब कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं उसका ढक्कन जो उधर रखा हुआ है और कूलर जो है इधर है, ये साफ हो चुका है। तो रूम में रखेंगे, उसके लिए ड्रेसिंग टेबल सबको हटाना पड़ेगा, तो चलिए उसको फिर करते हैं, फिर रूम में इसको लेके घुसाएंगे। चलिए आज इसको हटाएंगे। तो गाइस इसको हटाना पड़ेगा, कहे कि कूलर यहाँ रहेगा, हम लोग का बेड इधर है।
देख सकते हैं हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं हवा खाने के लिए। छोटू सा रूम में तो जगह नहीं हो रहा इसीलिए इसको निकाल दे रहे हैं। ओ दे पीछे मत इसको पीछे का उठा तेरा धर ले ध्यान दे हाँ साइड में रख नहीं। तो गाइस अभी ये कूलर अंदर जाएगा तो अंदर कर लेते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। आपको दिखाते हैं कितने छोटू सा बच्चा है क्योंकि रूम हो गया तो छोटा है ना। देखिए यहाँ पूरा गले जैसा हो गया है यहाँ पे और देख सकते हैं जगह ही नहीं है। चलता है दो महीने से बात है समर सीजन खत्म होगा तो निकल जाएगा ये। हवा खाने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ रहा है। तो एक ही बार पानी भरते हैं पानी उन्हें भरेंगे ढक्कन उक्कन लगा के फिर चला के दिखाएंगे ना। नीचे तो गाइस फाइनली हम लोग का कूलर चल चुका है पानी उनी भी चल रहा है और ये हम लोग का कूलर लगभग 25-30 साल का पुराना कूलर है
जो मेरा पापा खरीद के पहले से खरीदे थे वो भी मात्र 2500 में, अब तक पूरा टंच है, पूरा मस्त है। और इसके कवर पुराना वाला था बट वो टूट गया था थोड़ा बहुत, तो हम लोग इसको चेंज किए थे। और मोटर उटर सब वही है, और तो कुछ नहीं, बाकी जैसा है बॉडी वुडी तो सब वही है। तो गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय करो, बाय।